बात करते हैं मंडला की, जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे में बाल बाल ड्राइवर बचा है, साथ ही कंडक्टर की भी जान बाल बाल बच गई है। तो ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, दमकल दस्ते ने आग पर काबू पा लिया है। तो रायपुर से जबलपुर ये ट्रक जा रहा था, इस बीच ट्रक में भीषण आग लगी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। चलते ट्रक में आग लगी थी, तो चलते हुए ट्रक में आग लगी जिसके बाद, और ये तस्वीरें देखिए, ट्रक से उठता गुब्बार धुएं का साफ तौर पर नजर आ रहा है कितनी भीषण यह आग थी। जैसे तैसे ड्राइवर और कंडक्टर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। और चलिए इस खबर पर जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? जी, यह सारा घटनाक्रम निवास से बरेला रोड का है, जहां कोहनी गांव के जंगलों के पास यह ट्रक में आग लग गई। चूंकि यह ट्रक चल रहा था और बताया जा रहा है कि यह ट्रक लोहा लेकर रायपुर से जबलपुर की ओर जा रहा था, तभी चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर की नजर साइड ग्लास पर पड़ी तो देखा कि पीछे तरफ आग लगी हुई है ट्रक के, और जलता देख चालक और परिचालक ट्रक से कूद गए। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रक में आग लगने का कारण टायर के ब्रेक शू का चिपकना है। और इस घटना को देख गांव के लोगों ने आग बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक जो है दूर कर जल चुका था। और गरिमत रही कि चालक परिचालक कूद गए, नहीं तो बड़ा हादसा या बड़ा घटनाक्रम होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो टायर है उसके फटने के चलते आग लगने की आशंका मामले में जताई जा रही है।